स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स डू इट के ऊपर। चलिए हम आगे बढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट टाइप। एक जुगाड़ कह सकते हो, नहीं तो एक एक्चुअली लॉजिक को समझ सकते हो कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत सिंपल तरीके से कैसे किया जा सकता है। पहले आप अपना पूरा दिमाग लगा लीजिए कैसे इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने का, क्या हमारे पास और कोई रास्ता है क्या? क्या मल्टीप्लाई करने पर आंसर फटाफट निकालना हो तो कैसे निकालें? पहले मैं मल्टीप्लाई करूं और फिर समझाऊं, एक छोटी सी चीज पहले समझाता हूं, फिर धीरे धीरे आपको लॉजिक वाइज धीरे धीरे बिल्ड करता रहूंगा और टॉप पर लेके जाऊंगा जहां तक अपन को सीखना चाहिए। एक बहुत छोटी सी चीज अपने दिमाग में रखिएगा, 5 का मल्टीप्लाई जब भी किसी 2 से होगा तो वो हमें 10 देगा, ये बात कंफर्म है। 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 से होगा तो वो हमें 10 देगा। मैं इस 10 का मतलब पता है क्या समझता हूं? एक जीरो समझता हूं, एक जीरो। देखो समझाता हूं, मेरे को 15 × 6 करना है तो आप जानते हो ना क्या होता है, 90 होता है। लेकिन मेरी बात समझो, एक 5 और एक 2 निकाल लूंगा तो एक जीरो जनरेट होगा, 10, 5 × 2, 10। कैसे? 15 को लिखूंगा 5 × 3 और 6 को लिखूंगा 2 × 3। ये 5 × 2 = 10 हुआ या नहीं हुआ? 10 का मतलब क्या होता है? 3 × 3 = 9 आ जाएगा, 10 का मतलब एक जीरो, अरे इंटू 10 का मतलब एक जीरो लग जाता है। तो यहीं पर ही इसको अगर सॉल्व करना होता 15 × 6 को, तो मैं क्या करता, मैं ऐसे लिखता कि सर एक 5 हटाओ यहां से, एक 2 हटाओ। हटाने का मतलब 5 × 3 = 15 होता है, तो 5 को मैंने रिमूव कर दिया, वहां से 2 को हटा दिया, 5 और 2 हटे तो मेरा आंसर में एक 0 आ गया, वो फिक्स हो गया परमानेंट। 3 × 3 = 9 हो गया, तो 90 हो गया। इस तरीके से अगर इस कैलकुलेशन को अपन अगर सॉल्व करें तो देखते हैं अपनी कैलकुलेशन फास्ट सॉल्व होती है या नहीं होती है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। मैं रेड मार्कर लेता हूं, पता चले कट कैसे हो रहा है कोई पोर्शन। सबसे पहले यहां से 5 लिया और यहां से 2 को हटाया, एक 0 मेरे आ चुका है, क्लियर। एक 5 यहां भी पड़ा, 5 × 5 = 25, तो एक 5 हटा दिया, एक 5 रह गया। फिर यहां से एक और 2 के साथ हटाया, 0, एक 5 और, एक 2 हटा, एक 0 और, एक 5 और, एक 2 हटा, सॉरी 2 हटा तो 2 × 3 = 6, एक 0 और। अब मल्टीप्लाई में क्या बचा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 × 7 × 14 × 3। यहां भी मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, जो नंबर बचा है, देखो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, कुछ चीजें समझाने के लिए एक क्वेश्चन के अंदर दो चीज आपको समझाना चाहता हूं। अब यहां पर देखो कितना अच्छे से, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो आप इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में समझिएगा, ये चीजें अपने दिमाग में चलनी चाहिए, यहां लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देखो ये 7 का स्क्वायर हुआ मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर हुआ, तो 7 और 3 का स्क्वायर हुआ तो 7 × 3 = 21, 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441, 441 का डबल किया, 441 × 2 का 882, ये लो 882000, ये मल्टीप्लाई कितना आसानी से हुआ, कितना मल्टीप्लाई करना पड़ा आप समझो। ऐसा कौन सा भारी मल्टीप्लाई आपने कर लिया जो चीज आपको नहीं पता थी, चीज समझ में आ रही है ना? मल्टीप्लाई करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, जब 5 और 2 ऐसा पढ़ा हो, भाई 5 का मल्टीपल ही पढ़ा है, 2 का मल्टीपल भी पढ़ा है, अरे 0 जनरेट करेगा ही करेगा भाई, तो कितने 0 जनरेट हो रहे हैं देख लो। ठीक है, अब समझते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं एकदम बारीकी से, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब 15 × 8 सर 120, अरे जहां आंसर पता होता है वहीं पर तो मेथड अप्लाई करने का मजा आता है, कि सर छोटी सी भी गलती होगी तो पकड़ में आ जाएगी। मेरी बात समझना, यहां से एक 5 हटाया और यहां से एक 2 हटाया तो मेरा एक 0 जनरेट हो गया, 3 × 4 = 12, ये मल्टीप्लाई। अब ना 5 बचा ना 2 बचा, चलो आगे देखते हैं, 25 × 12, यहां से एक 5 हटाया और यहां से एक 2 हटाया, मेरा 0 आ गया, यहां से फिर एक 5 हटाया, यहां से 2 हटाया तो एक और 0 आ गया, और ये लो 300 मूवी का नाम भी है, अपना आंसर भी 300 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इससे और बड़ा भी करेंगे पर अभी ये वाला समझते हैं। एक 5 हटाया तो कितना आ जाएगा, 15, एक 2 हटाया तो 8, एक 5 और हटाया तो यहां 4 आ गया, एक 5 और हटाया तो यहां 2 आ गया, अब देखो कितना हो गया, अच्छा सॉरी अपन ने हटाया कितनी बार, अपन ने लिखा ही नहीं, देखो यहां 2 बार हटाया और यहां 1 बार हटाया, मतलब 3 0 तो आ गए थे, राइट।
अब मल्टीप्लाई में क्या रहा है, 3 2 6 6 देखो 3 और 2 6 और ये 6 36 36 into 3 108 36 into 3 108 कंफर्म। यहां तक सही, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 375 into 12 into 15 into 24 देखो 375 मतलब 5 की टेबल से कट होगा, 57 का 35 55 का 25 तो यहां पर ये 6 आ जाएगा, 5 की टेबल से कट होगा 15 तो यहां पर 3 आ जाएगा, 15 into 15 15 से 15 कट मत कर दीजिएगा, देखो ये वो नहीं है 15 upon 15 नहीं है, 5 की टेबल में अभी और है तो यहां पर 2 की टेबल से कैंसिल आउट होकर 12 आ गया, 5 अभी और है तो यहां पर कैंसिल आउट होकर 6 आ गया। अब अपने पास कितने बार 5 कैंसिल आउट हुआ, अपन ने 0 लिखा ही नहीं, इतनी बड़ी गलती है कभी मत करिएगा इतनी बड़ी गलती। यहां 375 में एक बार कट किया 75 से 10, 115 कट किया तो 10, 15 से 3 किया तो 10, फिर 15 से ये 3 किया तो आपका 10 कंफर्म, आपके 4 जीरो आ चुके हैं। मल्टीप्लाई में कितना रहा है, 3 3 3 एंड 6 देखा जाए तो 3 की पावर 4 है, 9 जा 81 81 इंटू 2 162। देखो मैंने कैलकुलेशन कैसे करी, फटाफट समझिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 6 को मैंने लिखा 3 इंटू 2, ये पूरा है 3 की पावर 4, मैंने कैसे तोड़ दिया, 9 जा 81 81 इंटू 2 162 तो 162 आ गया और 4 बार 0 आ गया। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, डेफिनेटली आपको सॉल्व करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में देने चाहिए, तो एक काम करते हैं होमवर्क मैं हाथों हाथ आपको क्वेश्चंस दे देता हूं। 75 into 18 into 15 into 12, 95 into 4, 55 into 35 into 8, 125 into 24 into 15 into 2, ये 4 questions है। इन questions का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।